खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा के थाना प्रभारी के द्वारा शहडोल मजाए के एक ऐसा कारनामा का अंजाम दिन का जो पूरे विंध्य सहित पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा रही है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम गणेश तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे यह बेहद दुखद खबर के जौने माँ प्रवचक बताई दी कि रीवा जिला के पनवार थाना प्रभारी के द्वारा अपने सर्विस रिवाल्वर से पत्नी के हत्या के बाद अपने खुद का गोली मार ली। ओके उनके जो है अनुमान है कि थाना प्रभारी के घर की कलह के चलते ये कदम उठा पाएगा। घटना शहडोल सिटी कोतवाली थाना इलाका के पटेल नगर वार्ड क्रमांक 12 क्या है। जानकारी के मुताबिक रीवा के पनवार थाना प्रभारी हीरा सिंह जो है शहडोल मां किराए के मकान से रहते, उनका घर पुलिस लाइन के पास रहा परस्ते, यहां पत्नी रानी परस्ते 9 साल की बेटी और 14 साल के लड़के के साथ रहते। वो मूलतः अनूपपुर जिला के खमरिया गाँव के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी जो है सिंह शनिवार का दोपहर करीब 12:15 पर रीवा से शहडोल बाइक से पहुंचे रहे। बताया जा रहा है घटना दोपहर करीब 3:15 के आए, वह वक्त अपने बेटी से जो टीवी देख रही है, वो बेटा ट्यूशन पढ़ा रहा जबकि पत्नी रानी कमरा मार रही। हीरा सिंह जो है बेटी का टीवी के आवाज तेज करे का बोल के दूसरे कमरा में चले गए। एक कुछ देर बाद कमरा से पटाखा के आवाज आई, आवाज सुन के पड़ोसी घरे आए। पड़ोसी से के द्वारा बच्ची से माता पिता के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा कमरे की ओर इशारा कर दिया गया। पड़ोसी के द्वारा दरवाजा खटखटा गया लेकिन कोनो आवाज नहीं आई। ओके बाद पुलिस का सूचना दिया गया। प्रवक्ता बताया दी पुलिस के द्वारा बताया गया कि घटना सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत जो है पटेल नगर वार्ड क्रमांक 12 के आए। हीरा सिंह के द्वारा पत्नी के साथ खुद का कमरा बंद करके गोली मार ली गए। कोतवाली थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ला की मौजूदगी में 7:30 कमरा के दरवाजा तोड़ा गया। अंदर देखा गया था हीरा सिंह और पत्नी रानी की लाश खून से लथपथ जमीन में पड़ी रही। हीरा सिंह के कनपट्टी पर गोली के चकमा रहा, सर्विस रिवाल्वर जो है पास में पड़ी रही। पुलिस के द्वारा रिवाल्वर का जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक सिंह के द्वारा खुद का सिरमा दाई ओर से सटाई के ट्रिगर दबावा गया और यूं कह के शनिवार का जो है घरे आए रहे कि पत्नी के तबीयत खराब है तो निश्चित तौर पर घर के अंदरूनी कलह जो है या पूरे हत्याकांड या कहा जाए या कदम उठावे में मजबूर कह दीस, किंतु यह मजबूरी सोची एक परिवार का तबाह कह दीस। आपसी अंदरूनी कलह कहो न कहो एक परिवार का इसे तोड़ दे थी, बिखराए दे थी और यहाँ तक की हालात ऐसा होते कि सोची अब दुई मासूम लड़का बच्चन के का हुई, बाप महतारी तो आपस के लड़ाई में शहीद हो गए चले गए, अब उनका लड़कन का को देखे वाला है, को उनका देख रेख करी, को उनका आगे की जिंदगी के निर्वहन करी। तो खुद सोची जब माँ बाप के साया सर से उठ जाते है तो शायद दुनिया माँ अंधेरा छा जाते। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।